हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि दाल मखनी कैसे बनाते हैं। और बहुत ही अमेजिंग दाल मखनी बनाने वाला हूं मैं। और उससे पहले मैं डालता हूं अपने पौधों में पानी। और ये भी सूख गया था बेचारा, इसको ही पानी देना जरूरी है। A few moments later. तो दोस्तों आज हम खेलने वाले हैं वॉलीबॉल। ये A few moments later. अब दोस्तों मैं जल्दी से दाल मखनी बनाने वाला हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ ये रेसिपी। और आप पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ, इसको नोट कर लो, बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। और उससे पहले मैं कुछ खा लेता हूँ, फ्रिज में कुछ ना कुछ पड़ा तो एलसी क्या है देखते हैं। और दोस्तों फ्रिज में है गाजर का हलवा, हीरा स्वीट्स का, अब हम ये खाएंगे। दोस्तों आगे है मेरा गाजर का हलवा, पहले गाजर का हलवा खाएंगे, इसके बाद हम बनाते हैं दाल मखनी। अब हम शुरू करते हैं हमारी दाल मखनी की रेसिपी। और सबसे पहले हम चढ़ाते हैं कढ़ाई, इसमें हम मिलाएंगे 2 चम्मच घी, देसी घी। और इसके बाद देसी घी को गर्म करके हम इसमें डालेंगे प्याज, और ये 2 बड़े प्याज लिए हैं मैंने, इनको बारीक पीसा है। और इसके बाद हम इसको पिंक करेंगे भून भून के, और जब ये पिंक हो जाएंगे इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट पहला चम्मच है और ये 2 चम्मच। अब हम इसको फिर से भूनेंगे, और इसको भूनने के थोड़ी देर बाद लगभग 5 से 6 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे 4 टमाटर की प्योरी। ये हमने टमाटर पीस लिए थे, ये 4 टमाटर हैं, और 2 प्याज लगेंगे और 4 टमाटर। और उसके बाद हम इसको अच्छे से इसको भूनेंगे, और भूनने के बाद अब देखिए काफ़ी अच्छी ग्रेवी बन रही है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और फिर हम इसमें डालेंगे ये दाल जो हमने उबाल के रखी हुई थी। और दाल आपको पहले ही उबाल लेनी है अलग से। अब ये थोड़ा सा गाढ़ी बन गई है दाल, अब इसमें 1/2 कप पानी मिलाएंगे बॉईल करके, और उसके बाद दाल का कुछ ऐसा टेक्सचर आएगा। अब इस दाल में हम दोस्तों बटर मिलाएंगे, और बटर हम इतना सारा मिलाएंगे, और फिर इसको अच्छे से हम दाल के साथ मिक्स कर लेंगे, पूरा गला के दाल के अंदर पूरा अच्छे से बटर का फ्लेवर आना चाहिए, तभी इसका नाम दाल मखनी है। और इसका कलर, टेक्सचर और इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी आ रही है। अब ये जो बचा हुआ बटर है हम और डाल लेंगे, और इसको अच्छे से हम फेंटेंगे। अब हम इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों। और इसी के साथ हमारी दाल मखनी भी तैयार हो गई है। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।